टॉप बिज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूलों के रिसाइकलिंग के बिजनेस के बारे में। बिल्कुल, फूलों के रिसाइकलिंग का बिजनेस कैसे किया जाए, रिसाइकलिंग व्यवसाय की संभावनाएं और अवसर क्या है, वो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे। आज जिस तरह से हर क्षेत्र में लोगों के द्वारा कचरे की बढ़ोतरी हो रही है, इसको देखते हुए इसका डिस्पोजल किया जाना बहुत जरूरी है। जहां तक कचरे की बात है तो किसी भी कचरे का निपटान करने के लिए दो ऑप्शंस की संभावनाएं हो सकती है। कचरे को पूरी तरह से या तो नष्ट कर दिया जाए जलाकर या दबाकर जमीन में, और जिससे पर्यावरण भी दूषित ना हो, और कचरे को रिसाइकिल करके फिर से उसको यूज किया जाए जो पर्यावरण को दूषित ना करे। दोनों ही तरीकों में तो या तो हम उसे जला दें, पूरा नष्ट कर दें, या फिर उस कचरे को दोबारा रिसाइकिल करके उसका एक नया यूज ले लें। तो इन दोनों तरीकों से हमें जो पर्यावरण है उसको बचाने का भी उसको बचाने को भी नजर में रखना है कि किसी तरह से पर्यावरण जो है वो दूषित ना हो। अब इस बिजनेस के लिए इनोवेटिव आइडिया और स्ट्रेटजी क्या है? किसी भी रिसाइकलिंग व्यवसाय को शुरू करने में हमेशा सबसे अहम भूमिका होता है एक इनोवेटिव आइडिया और व्यवसाय की रणनीति। फ्लावर वेस्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय को शुरू करने के इच्छुक व्यवसायी उद्यमी के पास एक बेहतर इनोवेटिव आइडिया और व्यवसाय की कारगर रणनीति का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कारोबार को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल की उपलब्धता होनी चाहिए, जो आपने जगह चुनी है वहां से कच्चे माल को इकट्ठा करने या कराने की रणनीति, रिसाइकल प्रोसेस से तैयार उत्पाद की बाजार में बिक्री की रणनीति, ये सब आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसके द्वारा ही आप अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि आप फ्लावर वेस्ट को रिसाइकिल करके क्या क्या नया उत्पाद या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो फ्लावर वेस्ट से कई तरह के दैनिक उपयोग के उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सकता है। अभी आपको पता नहीं होगा लेकिन इसमें सबसे पहले आता है धूप बत्ती, यानी कि फ्लावर वेस्ट धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन कप, कलश, बायो एंजाइम और प्राकृतिक रंग, सुगंधित द्रव्य जैसे कि इत्र, कॉस्मेटिक और इंडस्ट्रियल ग्रेड परफ्यूम्स, ऑर्गेनिक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, ये सब इससे बनाए जा सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात इसमें ये है कि आपको इसमें जगह की कितनी जरूरत है, यानी कि रिक्वायर्ड स्पेस जो है, एरिया जो है वो आपको कितना चाहिए। तो फ्लावर वेस्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय फैक्ट्री शुरू करने के लिए आपको कम से कम 4,000 वर्ग फुट की जगह आपको चाहिए होगी, उसकी जरूरत होगी, जहां पर प्लांट कम से कम 3,800 वर्ग फुट एरिया की पूरी तरह से आपको वहां धूप मिलती हो, बारिश होती हो, अच्छी मिट्टी और प्रदूषण से वो ढका या संरक्षित होना चाहिए। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र पर रोशनदान, एग्जॉस्ट पंखा जरूर होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की घुटन वहां पैदा ना हो सके। प्लांट में मशीनों के स्थान, एकत्रीकरण और छटाई का स्थान भी आपको निर्धारित करना होगा। ऐसे निर्धारित किया जाए कि जिससे कि कर्मचारियों को काम करने और कच्चा माल तैयार करने और माल को सुरक्षित रखने के लिए असुविधा ना हो, और आपको यहाँ पे बिजली की भी पूरी व्यवस्था करके रखनी हो। अब बात करेंगे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी और इक्विपमेंट की। इसमें मशीनों आदि के सुगम संचालन के लिए कम से कम 5 से 10 किलोवाट क्षमता के बिजली कनेक्शन की आपको जरूरत होगी। ये क्षमता मशीनों के चयन आधार पर भी सुनिश्चित निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही प्लांट में बिजली को नियंत्रित और पर्याप्त आपूर्ति के लिए डीजी सेट, कंट्रोल पैनल, पावर पैनल, ये सब उपकरण का होना बहुत जरूरी है। अब इस जो बिजनेस को चलाना है तो इसके लिए आपको मैन पावर की जरूरत कितनी होगी ये भी जान लीजिए, क्योंकि बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो आपको इसमें मैन पावर की जरूरत भी होगी। तो अमूमन बड़े स्तर पर प्रत्येक रिसाइकलिंग व्यवसाय में मैन पावर कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। तो फ्लावर वेस्टिंग रिसाइकलिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम से कम आपको 8 से 15 मैन पावर या कर्मचारियों की जरूरत होगी। अब बात करेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है और कहां से आपको मिल सकते हैं? तो सामान्य तौर पर फ्लावर वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए उन स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां दैनिक दर पर फूलों की खपत बड़ी मात्रा में होती हो। ये स्थान बड़े छोटे धार्मिक व्यक्तिगत आयोजन स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, मजार, गुरुद्वारा, शादी ब्याह जैसे स्थान या पार्टी आयोजन स्थान पर हो सकता है, जहां आयोजित कार्यक्रम की समापन के बाद बड़ी मात्रा में उपयोग में लिए गए फूल कचरे में फेंक दिए जाते हैं या विसर्जित कर दिए जाते हैं। क्योंकि भारत में लगभग हर बड़े और छोटे आयोजन में फूलों को विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उनका यूज किया जाता है। बिना फूलों की सजावट के हर त्योहार भारत में अधूरा सा ही लगता है। तो इच्छुक व्यवसायी उद्यमी फ्लावर वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए इन स्थानों पर पैनी नजर रख सकते हैं ताकि उनको वहां से वो वेस्ट मिल सके। अब आता है कच्चे माल की छटाई करना, यानी कि सॉर्टिंग करना। तो फ्लावर वेस्ट इकट्ठा हो जाने के बाद फ्लावर वेस्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय में सबसे अहम भूमिका होती है फूल या अपशिष्ट कचरे की छटाई करना। कचरे की छटाई पूरी तरह से
हाथों से की जाती है और इस काम को करने के लिए आपको अच्छी खासी मैन पावर की जरूरत होगी। कचरे की छटाई और धुलाई के बाद ये पूरी तरह से निश्चित और निर्धारित किया जाता है कि छटे हुए फ्लावर वेस्ट से कितने तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और अब इसी कड़ी में बात करेंगे रिक्वायर्ड मशीनरी की। मशीनें भी आपको चाहिए, हाथों से काम करने के लिए आपके पास कर्मचारी होंगे, लेकिन कुछ काम ऐसा है जिनको मशीनों से किया जाता है। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको कैसी मशीनें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए इंडस्ट्रियल पुलवेरिजर मशीन, जो कीमत में आपको 1 लाख प्रति इकाई से शुरू होगी। इसमें आपको ये मशीन मिल जाएगी। फिर दूसरी मशीन आती है मिक्सर मशीन, जिसकी कीमत भी 1 लाख से ही शुरू होती है। और अब आती है धूप बत्ती और अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक मेकिंग मशीन। ये आपको 45,000 रुपये प्रति इकाई से शुरू हो जाएगी मशीन मिलना। हवन कप मेकिंग मशीन, इसकी कीमत कम से कम 12,000 रुपये होती है। अब बात करेंगे इस बिजनेस में लगने वाली लागत, आपको कितनी लागत लगा के बिजनेस शुरू करना है। तो फुल वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए सेटअप करने में कम से कम आपको 5 से 35 लाख रुपए की पूंजी निवेश करनी होगी, क्योंकि ये बिजनेस बड़ा है दोस्तों, तो इसमें आपको इतनी लागत लग जाएगी। ये निवेश मशीनों के स्थान, कच्चे माल की क्रय दर के अलावा मैन पावर के चयन पर घटा भी सकता है, इसको और बढ़ा भी सकता है। अब कॉस्ट की बात कर ली है तो इसमें प्रॉफिट की बात भी की जाए। तो प्रॉफिट की बात जब हम कर ही रहे हैं तो फुल वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस या फ्लावर वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस में होने वाले मुनाफे की सामान्य तौर पर फूल के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जो होता है, उसकी गुणवत्ता के आधार पर 10 से 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाता है, जिसे मशीनों द्वारा रिसाइकलिंग प्रोसेस से गुजरकर अलग अलग किस्मों में उत्पाद जो है तैयार किए जाते हैं। तो इसमें अच्छा खासा आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है। जितना आप इसमें लागत लगाएंगे उससे डबल आपको इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर आपने अच्छे से ये जो सारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर ली तो। और अब बात करेंगे फ्लावर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस की। हम आपको प्रोसेस भी बता देते हैं, क्योंकि जहां तक आपने इसके काम को समझा है, रॉ मटेरियल आपने देखा है, सामान आपको कहां से मिलना है, कैसी मशीन आपको चाहिए, तो सबसे ज़रूरी होगा कि जब आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो फ्लावर वेस्ट से धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन कप, कलश आदि का निर्माण करने के लिए सबसे पहले वेस्ट मटेरियल को धोना होगा आपको और फिर उसको सुखाना होगा। धोने और सुखाने के लिए साधारण या इंडस्ट्रियल ग्रेड की वॉशिंग या ड्रायर मशीन को यूज में लिया जाता है। साथ ही ये जो प्रक्रिया है हाथों से भी की जा सकती है, मशीनों से भी की जा सकती है। साफ धुले और सूखे होने के बाद फूलों को मिक्सर मशीन में अलग अलग डालकर फूलों को आपस में अच्छे से मिलाया जाता है। इसके बाद मिक्स किए गए फूलों को पुलवेरिजर मशीन में डालकर फूलों का पाउडर तैयार किया जाता है, और इस तैयार पाउडर में वांछित उत्पाद जैसे कि धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन कप, कलश आदि बनाए जाते हैं, और आवश्यक अन्य सामग्री मिलाकर वांछित उत्पाद तैयार किया जाता है। वेस्ट मटेरियल से बने उत्पाद पूरी तरह से ऑर्गेनिक उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब आखिर में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन आपको करवाने हैं ये भी आप जान लीजिए। तो इसमें MSME रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस, GST नंबर, ट्रेड लाइसेंस, NOC सर्टिफिकेट फ्रॉम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट एंड फायर कंट्रोल बोर्ड से आपको चाहिए, IEC लाइसेंस भी आपको चाहिए। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि किस तरीके से जो वेस्ट फूल होता है, वेस्टेज जो होता है फूल का, उससे आप किस तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। और बहुत ही यूनिक और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। अगर आप में भी ये सारी ट्रिक्स करने की दिमाग है आपके पास में, तो आप ये बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपसे कोई चीज़ स्किप हो गई है तो शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो कॉर्बिस की टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।